कि मैं इस समय अल्मोड़ा ज़िले के दीघाट के पास नज़दीक तामाढ़ोन में हूँ। ये मेरी मौसी हैं, पहले नंबर की मौसी। मौसी लोग हमारे जो हैं पांच, मेरी मदर समेत पांच लोग हैं, पांच बहनें हैं और तीन हमारे मामा जी हैं। बड़े वाले मामा जी कलकत्ता में रहते हैं, दूसरे वाले नैनीताल में हैं, तीसरे वाले दिल्ली हैं। ये हमारे मौसी हैं। आगे हमारे मौसा जी जा रहे हैं, डॉक्टर साहब बैदी जी, यहाँ के फेमस, और आपके पिताजी माने हुए जड़ी बूटी के वैद्य, ये हमारे पिताश्री हैं, घूम रहे हैं। अभी देखो कितना सुंदर ये नज़ारा है हमारे पहाड़ों का। ये हैं डॉक्टर साहब। अच्छा मौसा जी, आपके फादर यानी हमारे मेरे क्या हुए, बूबू जी, बूबू जी का काफ़ी नाम यहाँ पर था उस समय वैद्य, कुछ आप बताएंगे? बताएंगे क्या, इस इलाके में वैद्य लोग हुआ ही नहीं करते थे तब। हाँ, छोटे मोटे वैद्य थे। हाँ, रजिस्टर्ड करने में पिताजी थे। हाँ, रजिस्टर करने में बूबू जी हुए, बहुत फेमस। हाँ, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, बड़ा इलाके में पूरा नाम था, क्षेत्र था। इधर भी हुआ, चकुटिया इस साइड में भी, चकुटिया शालदे भिक्यासैन मासी मांगिला, हर जगह उनका नाम हुआ। अब पेशेंट भी कम हुआ करते थे, इतना पेशेंट नहीं होता था। हाँ, इतना पेशेंट भी नहीं था क्योंकि लोग मेहनती थे और गांव गांव में जाना होता था। हाँ, रोगी के घर में। हाँ, तो अभी हम पैदल चल रहे हैं। देखो कितना बढ़िया ये वैली है, ये शालदे क्षेत्र में ये वैली है, बहुत सुंदर। ये पहाड़ देखिए आप, और बहुत ही ठंडा मौसम है सवेरे अभी। ठीक है मौसा जी, ठीक है साहब, ठीक है, धन्यवाद। तो इसलिए हमारा ये उद्देश्य है कि प्लान ना करें और अपने घरों की ओर वापस आएं। और जो लोग सरकारी क्षेत्र में जो जॉब कर रहे हैं, वो दुर्गम क्षेत्रों में भी ज़रूर करें। मैं खुद दुर्गम में सेवा देना चाहता हूँ आने वाले समय में। और इधर ही अगर हो जाए शालदे तो क्या दिक्कत है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। घूमना फिरना है, देखो बढ़िया पानी है, शुद्ध हवा है, जल है, लोग ईमानदार हैं। सबसे बड़ी बात है लोग ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हार्ड वर्कर। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यश खाती, नमस्कार।